Hi, we have two words in social media going around, nepotism and favoritism. Interestingly, they are things that are not respected, they don't find a great value, but they have to be discussed. And yes, they have a medical value, they have a psychological value. What? Ek sawal hoga. An important question, ke what? Why is it psychiatric? Remember, favoritism is populism. लोग किसी को फेवरेट तब कहेंगे जब बहुत ज्यादा लोग उसको चाहेंगे. एंड फेवरेटिज्म में उसको कोई बेनिफिट मिलेगा, बट दैट बेनिफिट मे नॉट जस्ट बी बिकॉज यू आर नियर एंड डियर एज अ रिलेशनशिप टू समबडी, बट मे बी आउट ऑफ द मासेस समथिंग दैट कम्स टू फिल्म एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, पॉलिटिशियंस. एंड जब ये थोड़ा सा, वेन एवर इट इज अ लिटिल नेगेटिव, देन इट बिकम्स स्लाइटली नॉट लाइक्ड, नॉट अप्रिशिएटेड. बट अदरवाइज फेवरेटिज्म इज अ वेरी वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन. एंड जनरली इट इज इन अ पोजिशन वेयर पीपल ट्राई टू कॉपी और एमुलेट समथिंग. वो उस चीज जैसा होना चाहते हैं, उस चीज को अपने में उतारने की कोशिश करते हैं. नेपोटिज्म इज डेंजरस. नेपोटिज्म इज एक्चुअली विदाउट रैशनलाइजिंग ट्राइंग टू फेवर समबडी, गिव समवन अनड्यू एडवांटेजेस. किसी को ऐसे फायदे देना जो कि शायद वो उसका हकदार है, शायद वो उसका हकदार नहीं है. एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट बेनिफिट्स, बट डेफिनेटली आउट ऑफ टर्न, एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स, किसी और इंसान की सक्सेस के कीमत पर, दैट इज डेफिनेटली अ डेंजरस थिंग, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स योर इनसिक्योरिटी एज अ साइकोलॉजी. इट रिफ्लेक्ट्स एन इनसिक्योरिटी ऑफ योर पर्सन होम यू आर फेवरिंग, एज ही इज डेफिनेटली नॉट कॉम्पिटेंट. एंड इट ऑल्सो मेक्स अ थर्ड पर्सन और अ ग्रुप थर्ड ऑफ थर्ड पीपल हु मे बी लेजिटिमेट एडवांटेज गेनर्स ऑफ अ फेवरेटिज्म वर्सेज अ नेपोटिज्म. नेपोटिज्म देयरफॉर हैज स्ट्रॉन्ग साइकेट्रिक इम्प्लीकेशंस. It can drive you to obsession. It can drive you to a compulsive behavior. It can also drive you to situations where you go into depression. It can cause serious psychiatric situations where people commit suicide. इसलिए nepotism is not a great thing. Favoritism के disadvantages ये हो सकते हैं कि when you fail, when a favorite fails, she gets a backlash. And he may go into a depression as an individual. His fans may not like it, but it would not be an obsession or a compulsion largely. Nepotism drives obsession, drives compulsion, and it can kill, if nothing, at least the interest of an individual or a group into something, into creativity, into action, into works to be done. Therefore, nepotism, yes, it is a serious issue. It should be dealt with, and not only in terms of law or in terms of people handling it, but also it needs a medical handling, it needs a medical care, it needs to be highlighted. Just not that it is depression, just not classifying it as an OCD, but getting into the cause of OCD, getting into the cause of that depression, and actually addressing an attribute, एक आदत, एक कमी को सामने लाना, जस्ट टू ब्रिंग इट, ब्रिंग द फ्लॉ समवेयर फॉरवर्ड एंड डीलिंग विद इट सोशली विद काउंसलिंग, दैट इज द वे फॉरवर्ड. इफ यू हैव टू डील विद, इफ यू हैव टू नेगोशिएट अ मिस एट्रीब्यूट एज नेपोटिज्म. थैंक यू.